हेलो गाइस, इट्स मैं अहमद फैज और आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे और उस चीज़ को सीखेंगे। तो उससे पहले एक काम किया जाए, पहले इसका रिवीजन कर लिया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं, तो इस सारे फॉर्मूले को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया हुआ है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर व्हाट इज के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो एयर में जो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 1 होती है, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी। तो जब एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा ई आर रहता है हमारा, और ई आर की वैल्यू 1 होती है, तो उस 1 को हम लिखते नहीं, ठीक। और ये फोर्स का फॉर्मूला हमारा वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक। तो एक चीज इसमें ये भी देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखवा देना है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर 2 1 2 1। देखिए यहां पे आर के ऊपर कैप है, आर कैप, तो जब यहां कैप होगा तो नीचे आर का स्क्वायर होगा, जब यहां फुल वेक्टर होगा तो नीचे आर का क्यूब होगा। तो ये सब चीज छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला, कॉस थीटा किसके बीच का एंगल है, ई और ए, व्हाट इज ए, ए इज एरिया वेक्टर। इसमें ये वाला जो हमारा ए है वो ए हमारा है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होता है, हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर और रेडियली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर हमेशा हमारा जो होगा वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस और रेडियली आउटवर्ड, हमेशा बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला, फिर उसके बाद ये देखिए क्यू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला तो हमारा एक और है, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये भी आपको याद रखना, ठीक। उसके बाद इसमें जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपके सामने ही हैं, आप इस चीज को देखिए और एक बार अच्छे से इसको रिविजन कर लीजिएगा, और इसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा। कॉन्स्टेंट के की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, यूनिट सारी एसआई यूनिट है, यही एसआई यूनिट से आप इसकी डायमेंशन बना लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीजें एक बार इसको देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग पहला सवाल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला सवाल। ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इन एयर, इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विद ग्लास, रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास की 8 दे रखी है, देन द न्यू फोर्स विल बी। इसमें जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो जेई और नीट वालों के लिए, आईआईटी और नीट वालों के लिए है, तो उसको अच्छे से एक बार इसमें से क्वेश्चन देखिएगा, क्या पता इसमें से क्वेश्चन फंस भी जाए और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल में लेके आप लोग के लिए आया हुआ, ठीक। तो देखो हमारे पास फोर्स है 4 न्यूटन एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्ज है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 4 न्यूटन है, लेकिन ये जो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना वो एयर में लग रहा है, ठीक। अगर उनके बीच में हमने एक ग्लास मीडियम ला के भर दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब जिसका डाइइलेक्ट्रिक 8 है, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा। तो एक बात हमको याद रखनी है, एक बात हमको ये याद रखनी है कि जो हमारा फोर्स होगा अगर 2 चार्ज के बीच में हम कोई भी मीडियम ला के भर देते हैं तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें हमें यह देखना कि क्या 4 न्यूटन से ज्यादा, 4 न्यूटन से ज्यादा कोई फोर्स है, तो आंसर 5 न्यूटन है। तो ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, 5 न्यूटन तो कभी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 4 न्यूटन का फोर्स एयर में लग रहा, तो इसका एक फॉर्मूला है F1/F2 इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 2/ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 1। ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये फॉर्मूला कहां से आया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। रिलेशन किसका पूछा है, फोर्स का और रिलेटिव परमिटिविटी का, तो फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी इन दोनों को हम रिलेशन में रखेंगे, बाकी इन सबको निकाल फेंकेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो F1 कितना है, 4/F2, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 2 कितनी है, 8, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1, तो 4 2 8, तो F2 कितना आया, F2 आया 1/2, तो F2 की वैल्यू आई 0.5 न्यूटन, तो फोर्स की वैल्यू इतने गुना कम हो गई, 0.5 इज द आंसर, ठीक। तो इस तरीके का रिलेशन आपको याद रखना है, डायरेक्ट रिलेशन आप बैठा के इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं,
देखिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए, एक बार इसको आप पढ़िए और अपने मन से करने की कोशिश करिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 30 सेंटीमीटर ड्यू टू अ चार्ज ऑफ -8 माइक्रोकूलम एट द ओरिजिन ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है, ठीक। इसको अब अपने मन से करने की कोशिश करिए। तो ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब ये दो एक्सिस में हमको दे रखा है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 30 i कैप, और वाई एक्सिस में क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 30 j कैप, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ से यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, फुल वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, फुल वेक्टर, तो ये उसको हम लिखेंगे 30 i कैप प्लस 30 j कैप डिवाइडेड बाई रूट 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी, वो आएगी 30 i कैप प्लस 30 j कैप डिवाइड बाई रूट 900। तो 30 इसका करेंगे तो 900 आ गया 1800, इसका रूट 2 की वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी, अगर इसको हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर में, तो वो हमारी आएगी 42.42। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, यूनिट वेक्टर तो हमारा आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0Q/r² × यूनिट वेक्टर। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹ इंटू -8 q हमारा है, अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कितना, आर का स्क्वायर 42.42 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर कितना है, 30 i कैप प्लस 30 j कैप अपॉन 42.42। ये देखिए आप, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो आप इस चीज को देखिए, पहले सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर निकाला, 30 i कैप प्लस 30 j कैप डिवाइडेड बाई 42.42, ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। ये जो है आया, जो 42.42 है ना, ये हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर है, मॉड ऑफ वेक्टर। तो मॉड ऑफ वेक्टर तो हमारा ये है 42.42 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, टोटल पूरा इसके इक्वल है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, वो आएगी -200√2 i कैप प्लस j कैप। माइनस क्यों है, क्योंकि ये एक -8 माइक्रोकूलम यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वोल्ट पर मीटर। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है। वोल्ट पर मीटर क्यों, क्योंकि वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है, तो ई इज इक्वल टू वी बाई डी आर, वी की वैल्यू वोल्ट, डी आर की वैल्यू मीटर, वोल्ट पर मीटर। A uniform electric field is volt per meter also in the plane of the paper is limited only to lower half of the square surface. The electric flux in SI unit associated with the surface is, ये देखिए, ये हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको निकालना है। ये हमारे पास एक पेपर है, शीट है, जिसकी लेंथ L है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अगर इसका एरिया वेक्टर आप बनाएंगे तो एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर बनेगा, ये। तो इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एरिया वेक्टर ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो फ्लक्स हमारा आएगा 0, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को देखिए और अपने मन से करने की कोशिश करिए। ए चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक कैपिटल क्यू चार्ज लेकर आए, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन पूछेगा तो हमें यह पता है q/2 होता है, हाफ कर देते हैं, ठीक। लेकिन यहां पे क्या है, एक चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, q1 एंड q2। एक क्यू चार्ज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, q1 और q2 में, सच दैट दे एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन। मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ठीक है, व्हेन सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, और इसका रेशियो बताना है, q:q1:q2। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या है हमारा, अब एक चीज आप ये देखिए,
हाँ तो आप लोगों ने इसको देखा, अब मैं बताता हूँ। देखिए, कैपिटल क्यू चार्ज को हमने दो भाग में बांटा, क्यू वन और क्यू टू में, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर हमारा क्यू चार्ज आएगा, जैसा कि हमको पता है। ठीक, अब उसने रेशियो किसका पूछा, कैपिटल क्यू का, क्यू वन और क्यू टू का। तो हमको ये भी पता है कि जब भी हम एक चार्ज को डिवाइड करते हैं तो वो जो हमारा चार्ज डिवाइड होगा वो क्यू बाई टू और क्यू बाई टू के फॉर्म में जाएगा। मतलब क्यू वन को कितना मिलेगा, क्यू बाई टू, क्यू टू को भी कितना मिलेगा, क्यू बाई टू। तो अगर हम इनका रेशियो निकालें, अगर हम इनका यहाँ रेशियो निकालें, कैपिटल क्यू इज टू क्यू वन इज टू क्यू टू, तो कैपिटल क्यू तो क्यू ही है हमारा, क्यू वन कितना है, क्यू बाई टू, क्यू टू भी कितना है, क्यू बाई टू। कैंसिल करेंगे और अगर इसका रेशियो हम मान लें तो ऑप्शन में हमारा जो आएगा वो फोर्थ ऑप्शन है, टू इज टू वन इज टू वन। ठीक, जैसा कि हमको पता है, जैसे थ्री क्यू चार्ज है हमारा, थ्री क्यू चार्ज को ऐसा डिवाइड करो कि इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम है, तो एक को मिलेगा थ्री क्यू बाई टू, दूसरे वाले को भी क्या मिलेगा, थ्री क्यू बाई टू। जो क्यू वन को मिलेगा सेम वही क्यू टू को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए ये चीज आपको मिल गई। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व, इस वाले क्वेश्चन को करिए जरा। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वेरी लार्ज प्लेट पी वन एंड पी टू हैविंग चार्ज 4q एंड 6q आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर एट द सेपरेशन डी। द प्लेट एरिया ऑफ आइदर फेस ऑफ द प्लेट इज कैपिटल ए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट पी वन एंड पी टू इज। दो प्लेट ये रखी हुई है, दोनों प्लेट बनाइए। एक प्लेट तो हमारी ये हो गई, दूसरी प्लेट हमारी ये हो गई। एक के ऊपर चार्ज है प्लस 4q, दूसरे के ऊपर चार्ज है प्लस 6q। इनके बीच का डिस्टेंस है हमारा ये छोटा सा डिस्टेंस स्मॉल डी। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है पी वन टू पी टू। एक चार्ज को अगर मान लो यहां से यहां ले गए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए नोट करिए। हाँ तो भाई आप लोग ने कर लिया होगा, खैर अब मैं करके बताता हूँ। देखिए हमारे पास ये दो प्लेट है, एक के ऊपर चार्ज 4q है, एक के ऊपर चार्ज 6q है। ठीक, इसको मैं दोबारा बना के आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके ऊपर एक चार्ज है, ये है चार्ज प्लस 4q, एक ये है इसके ऊपर चार्ज है प्लस 6q। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस है डी। सबसे पहले भाई हमको ये निकालना है ना कि आउटर और इनर प्लेट पे कितना कितना चार्ज जाएगा। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले आप ये देखिए टोटल चार्ज दोनों प्लेट पे कितना है। तो जो हमारा टोटल चार्ज है वो दोनों प्लेट पे 6q प्लस 4q वो 10q क्यू के इक्वल है। अब इसी 10q को हम हाफ कर देंगे, ये बात आप याद रखिएगा। इस 10q को जब हम हाफ करेंगे तो कितना आया, 5q। मतलब आउटर फेस पे, आउटर सरफेस पे यहां पे चार्ज कितना है 5q, यहां पे भी चार्ज कितना है 5q। ठीक, अब अगर इसको 4q बनाना है, अब मेरी बात सुनिए, आउटर सरफेस पर हमने चार्ज निकाल लिया, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस में बता रखा है। 4q प्लस 6q दो प्लेट हमारे पास है, दोनों को ऐड किया फिर उसका हाफ कर दिया तो आउटर सरफेस पे हमें चार्ज मिल गया। अच्छा ये बताइए, अगर हमें 4q चार्ज बनाना है तो अंदर कितना चार्ज रखना पड़ेगा। एक में अंदर हम रखेंगे माइनस क्यू, तो 5q में से माइनस क्यू बचा तो 4q बचा। यहाँ पे अगर 6q बनाना है तो यहाँ कितना चार्ज रखेंगे, यहाँ चार्ज रखेंगे प्लस क्यू, क्योंकि 5q में प्लस क्यू करेंगे तो 6q आएगा। ठीक, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर हम सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज रखें तो प्लस क्यू उसको क्या करेगा, रेपेल, माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बन रही है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आया। सिग्मा को हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा को हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला है हमारा। तो इसको हम लिखेंगे क्यू अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या है, निकालना है पी वन से पी टू तक का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम लिखेंगे वी पी वन माइनस वी पी टू इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला होता है। तो
तो वी पी वन माइनस वी पी टू इज इक्वल टू वॉट इज ई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, वॉट इज डी या कितना डिस्टेंस है डी, माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। तो वी पी वन माइनस वी पी टू इज इक्वल टू माइनस क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन में देखिए कौन सा है, वी पी वन नहीं, वी पी वन ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, बहुत से बच्चे ये फर्स्ट लगा के चले आएंगे तो ये गलत है। ठीक, बहुत से लोग फर्स्ट लगा के चले आएंगे तो उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। अ मास कैपिटल M कैरिंग अ चार्ज Q इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज, पेंडुलम टाइप का क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत सारी किताबों में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, इसको नोट करिए और सॉल्व करिए इसको एक बार अपने मन से। ये एक पेंडुलम है, चलिए एक मास हमने लटका रखा है, इसको हमने ऐसे घुमाया दिस। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल हमारा थीटा है। यहाँ पे ऐसे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा, दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स इज क्यू ई, नीचे हमारा एम जी मास लग रहा, और यहाँ पे ये हमारा टेंशन टी, दिस इज टेंशन टी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, तो ये वाला हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा पर की तरफ, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। तो फिर से टी कॉस थीटा किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल, टी साइन थीटा किसके इक्वल है क्यू ई के इक्वल। व्हाट इज फोर्स, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स जो हमारा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्यू ही होता है। ऑप्शन में किसकी बात कर रहा, टेन की बात कर रहा, तो हम क्या करेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, डिवाइड करेंगे टी से टी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। तो थीटा किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, QE upon MG, ओ सॉरी दिस QE upon MG फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हमको ऐसे सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को देखिए और अपने मन से करने की कोशिश करिए। अ नॉन कंडक्टिंग रिंग, दिस इज रिंग, अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर कैरीज ऑफ टोटल चार्ज इतना, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली ऑन इट सर्कमफेरेंस प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एवरीवेयर इन स्पेस, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फाइनाइट से जीरो तक, आई इज इक्वल टू जीरो बिंग द सेंटर ऑफ द रिंग। अच्छा, मतलब सेंटर से लेके इनफाइनाइट तक निकालना है। ठीक है, चलिए बताइए इसको सॉल्व करिए। पहले एक काम करिए, जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए ना तो आप सबसे पहले एक काम ये किया करिए, क्वेश्चन की लाइन ढूंढा करिए कि पूछा क्या है, उसके बाद सॉल्व करिए। हमें क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, मतलब इसकी पूरी वैल्यू हमको बतानी कि किसके इक्वल आएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन देख के आपको ये लग रहा होगा कि इसने क्या पूछ लिया, बात को समझो, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन ये लग रहा है, लेकिन मालूम है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बात बताओ, डी वी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर के इक्वल होता है। कहां से कहां तक पूछा है, इन्फिनिटी से लेके जीरो तक पूछा। अब एक बात हमको पता है कि इंफिनिटी पे तो हमारा पोटेंशियल जीरो होता है, और किसी भी रिंग में कितना पोटेंशियल होता है, रिंग के अंदर हमारा कितना पोटेंशियल होता है, तो आंसर है उतना पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पर होता है। मतलब यहां पे ये जो हमारा जीरो है, जीरो बता रहा है सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब जो, मतलब अगर रिंग का अगर रेडियस आर है तो जो पोटेंशियल हमारा सरफेस का होगा वही पोटेंशियल हमारा रिंग का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में सेंटर पे जीरो होती है रिंग के अंदर, लेकिन पोटेंशियल कितना होता है इलेक्ट्रिक उसमें रिंग के अंदर, रिंग के अंदर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, रिंग के अंदर पोटेंशियल कितना जितना सरफेस पर। तो सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, इतना है भाई।
अब सॉल्व कर लो, 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻¹। क्यू कितना दिया है ये देखिए, 1.11×10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाई आर कितना दिया, 0.5। सॉल्व करिए इसको, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ 1.9 के समथिंग आएगी, तो ये हमारा जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा +2। चलिए +2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, कोशिश करिए, ट्राई करिए। तो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, 12 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम आर इनिशियली सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। द वर्क देन ब्रिंगिंग द टू चार्ज 4 सेंटीमीटर क्लोजर, मतलब दोनों चार्ज 10 सेंटीमीटर पर रखे हैं, अगर इनको क्लोज करके 4 सेंटीमीटर तक ले आए तो पोटेंशियल कितना होगा, कितनी एनर्जी, सॉरी कितना वर्क हमारा लगेगा। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा पोटेंशियल कहलाता है। बात को समझिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 q/r। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल कहलाता है, तो एक q और कर देंगे तो हमारा वर्क हो जाएगा। तो अब आप निकालिए, इस चीज को सॉल्व करिए, तो इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगेगा, वो जो लगेगा वो आप लगाइए v2 - v1, कितना होगा, 1/4πε0 q1 q2, 1/r2 - 1/r1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, r2 की जगह क्या रखना है, फाइनल लेंथ कौन सी हमारी है, फाइनल लेंथ हमारी है 4 सेंटीमीटर, इनिशियल लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर। इसको ऐसे सॉल्व करना, चलिए नोट करिए, आप लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, द डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम इज, ये क्वेश्चन आपको करना है, चलिए करके बताइए। तो देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम करें तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ये एंगल हमारा कितना बना, 30 डिग्री, इस क्यू के लिए और इस क्यू के लिए, द डायपोल ऑफ द गिवन सिस्टम इज -2q q q, ये दिया गया है। ठीक है, तो डायग्राम में 30 डिग्री। अब यहाँ पे टोटल डायपोल मोमेंट अगर निकालें, डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक का हो जाएगा -QL, दूसरे का हो जाएगा +QL, और तीसरे के लिए हो जाएगा क्या, +2QL, ये 2QL कितना एंगल, cos 30 डिग्री। तो ये हो गया, क्या हो गया, कैंसिल। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही करना है, तो 2QL cos 30 कितना हो जाएगा, 2QL cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो डायपोल मोमेंट कितना आया, √3QL। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो बस आज के लिए जो है इतना काफी है। आप लोग जो है DC पांडे न्यूमेरिकल के लिए ट्राई करिए, बहुत ही बेस्ट बुक है, और प्रेजेंट टाइम जितने भी अच्छे, मतलब जो भी अच्छे ITS वाले निकाल रहे, जो एलन में और बढ़िया बढ़िया कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वो इसी से, इसी बुक को ज़्यादा मतलब लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए, इसी से पढ़िए, और बाकी जो है मेरी एक साइट अभी आने वाली है, www.physicskipathshala.com, वो वेबसाइट जब आएगी तो उस पर आपको सारे मटेरियल और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और वो वेबसाइट इंशाल्लाह 25 से 30 अप्रैल तक अपलोड हो जाएगी। तो वो जब वेबसाइट आएगी तो आप उस पर जाके मटेरियल देख सकते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।